और आज दिल्ली में सूफी इस्लामी बोर्ड द्वारा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे इमाम हुसैन डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम मौलाई जो यहाँ मौजूद हैं और आसपास के हैं, वो सब यहाँ पे इकट्ठा हुए और सब ने इस नशस्त में हिस्सा लिया, अकीदत पेश करी अपनी, नजर नियाज पेश किया। और जो संदेश हम यहाँ पे अपने देश को देना चाहते हैं, अपने देशवासियों को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मौला इमाम हुसैन हमेशा से कट्टरवाद आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने जंग करी, और वही पैगाम हम हिंदुस्तान में देते हैं कि यहाँ पे नफरतों को दूर करना, मोहब्बतों को बढ़ावा देना, कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना, अपने देश के लिए खड़े होना और अपने देश की जो विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ना। क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में सबसे पहला हमारे ईमान का हिस्सा है कि अपने वतन से मोहब्बत, और हम इसे अपने मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। यही पैगाम हमने आज इस हुसैन दिवस पे दिया और लोगों से अपील करी कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। आज हम लोगों ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे हुसैन दिवस का आयोजन यहाँ पे किया है। इस मौके पे कमाल बाबर खान साहब हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं, जो दिल्ली प्रभारी हैं। तो मकसद हमारा यही है, मौलाइयत के मिशन पे आगे बढ़ना, जैसा कि सूफी इस्लामिक बोर्ड का सिद्धांत भी है। दो सिद्धांतों पे सूफी इस्लामिक बोर्ड काम कर रहा है, मौलाइयत, मौला इमाम आली मुकाम और अहले बैत की तालीम को दुनिया तक पहुँचाना, आम लोगों तक पहुँचाना, ये हमारा मकसद है। दूसरा मकसद राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से मौला इमाम हुसैन हमेशा कट्टरवाद के खिलाफ रहे, यहाँ तक कि शहादत पेश कर दी अपने बच्चों की, अपने परिवार की, लेकिन उन्होंने बातिल को नहीं अपनाया, बातिल के खिलाफ खड़े रहे, उसी तरह से हम भी मौलाइयत के मुद्दे पे रहेंगे, राष्ट्रवाद में रहेंगे, अपने देश से मोहब्बत में रहेंगे और नफरत वाली जो ताकतें हैं उसका हमेशा विरोध करेंगे, जैसा से हम पीछे से करते आए। हम इस मामले में किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते। मौला हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा इसी तरह से मौलाइयत पे कायम व दायम रखे। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और मौला आली मकाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की नज़र पेश करी और मौला हुसैन का यौम विलादत का जश्न मनाया। मैं सभी लोगों को यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। मौला हुसैन सबको सलामत रखे, सबको मौलाई बनाए और इनकी नस्ल पाक को भी मौलाई बनाए। दोस्तों, मौला इमाम हुसैन इंसानियत का मजहब सिखाने वाले और जिनके लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि मौला इमाम हुसैन अगर हैं तो दीन वही है, और दीन के बारे में कहा कि आगे अगर दीन बचा और आज हम मुसलमान हैं तो वो मौला इमाम हुसैन की बदौलत हुई। और मौला इमाम हुसैन का उन्होंने कहा कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, ये कहा कि दीन ही हुसैन है, हम दीन की जो पना है वो हुसैन की पना में है। दीन ये इसके बारे में तो हम सब लोग बड़ा आज अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम मौला